16 साल की लड़की की हत्या के आरोपी साहिल खान को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से गुपचुप तरीके से मंगलवार सुबह 10 बजे ही कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जिस चाकू से साहिल ने हत्या को अंजाम दिया है वो बरामद करना है, साथ ही मामले की कड़ियां जोड़नी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हम लोग इसको गिरफ्तार करके बुलंदशहर से ले आए हैं, तो आज हम लोगों ने कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की हमें पुलिस रिमांड मिली है इसमें, और आगे की तफ्तीश इससे पूछताछ जारी है और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम साक्ष्य इसमें जुटा पाए। लड़की की हत्या के कुछ मिनट पहले का एक और CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साहिल वारदात वाली जगह पर खड़े होकर अपने दोस्त आकाश से बात कर रहा है। इसके बाद उसने लड़की पर 20 से ज्यादा बार चाकू से हमला किया, फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, वो बहुत गुस्से में था। आरोपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लड़की उससे बात नहीं कर रही थी। लड़की की दोस्ती झबरू नाम के लड़के से हो गई थी। झबरू ने हत्या के एक दिन पहले ही लड़की के सामने ही उसे धमकाते हुए लड़की से दूर रहने के लिए कहा था। झबरू इलाके का दबंग लड़का है। इसी के बाद उसने लड़की की हत्या करने का फैसला किया। झबरू के मुताबिक उसी ने लड़की को एम्बुलेंस में रखा था। जिस समय पूरी वारदात हुई क्या उस समय मौजूद थे आप? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। मैं आया था बाद में, उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। हाँ जी, साहिल के साथ कितने लोग? आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। साहिल को पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है, जबकि सिम कार्ड और चाकू की तलाश जारी है। आरोपी ने बताया कि चाकू उसने 15 दिन पहले एक वीकली मार्केट से लिया था। आरोपी ने हाथ में कलावा बांधा हुआ है और एक तस्वीर में उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। आरोपी का कहना है कि उसने ये सब कुछ धार्मिक लोगों के कहने पर किया, हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी जो है काफी, जैसा मैंने कहा, प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग गैदर कर रहे हैं और उसके साथ में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोग बना रहे हैं, तो अभी एक बारी जब इसको हम लोग अच्छे से इंटेरोगेट कर लेंगे तब हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। सारे एंगल, सभी एस्पेक्ट्स पे थॉरली इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम लोगों के सामने साक्ष्य आ रहे हैं, जो भी पहलू हैं, सब पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बीजेपी सांसद हंसराज हंस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए दिए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। कड़ी क्या फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। मैं तो सोसाइटी को भी कहूंगा, कितने लोग खड़े थे, उसने तोप थोड़ी बीड़ी हुई थी, कुछ भी हो उसको घेर लेते, उसी वक्त धर लेते। लोग भी है, वीडियो कोई बना रहा है, कोई देख रहा है, दर्शक बन के इतनी तकलीफ हुई है देख के वीडियो। बहुत बहुत दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता, जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बहुत जल्दी ही चार्जशीट पेश होगी। साहिल जब 16 साल की लड़की की हत्या कर रहा था, उस वक्त मौके पर 8 से 10 लोग मौजूद थे, जिनमें से पुलिस 2 लोगों की पहचान कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की को बचाने उस वक्त कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन
उससे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी 112 नंबर पर कॉल कर घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी, बल्कि इलाके के एक इन्फॉर्मर ने बीट कांस्टेबल को इसकी जानकारी दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची। नई दिल्ली से कैमरामैन हीरा मंडल के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।